आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कोहरे की वजह से ट्रक ने मारी बस को टक्कर, 3 की मौत। यूपी में बढ़ेगा जेनरिक दवाइयों का बाजार, सरकारी अस्पताल में भी खुलेंगे जेनरिक आधार के स्टोर। दिल्ली में 5-स्टार होटल में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सतलुज किनारे बसे 45 गांवों में धड़ाधड़ बन रही अवैध शराब, 4 माह में मिली 19 भट्टियां। गुजरात के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, देश भर में पार्टी के विस्तार पर मंथन। आज अलवर में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, मालखेड़ा में राहुल गांधी की बड़ी सभा। शादी समारोह से लौट रही बस कंटेनर से टकराई, 1 की मौत 10 घायल। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीज की संख्या बढ़कर 3,569 हुई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।